दोस्तों आप सभी का हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। आज आप लोग इस वीडियो में कुछ सबसे मजेदार स्विमिंग पूल देखने जा रहे हैं और अगर आप लोगों को स्विमिंग पूल काफी ज्यादा पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो बिना देरी किए चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर एक, डेविल्स पूल। डेविल्स पूल बहुत गहरा पूल है। अगर आप लोगों को खतरों से खेलने का शौक है तो यहाँ पर जरूर जाइएगा। और यह डेविल्स पूल जिम्बाब्वे के बॉर्डर पर मौजूद है, जो कि यह पूल कोई मैनमेड नहीं बल्कि नेचुरल पूल है। और इतना खतरनाक पूल पहाड़ के एकदम एज पर मौजूद है। इस पूल में स्विमिंग करते वक्त ध्यान रखना जरूरी है कि आप एज से नीचे ना गिर जाएं। इसलिए स्विमिंग पूल में सबको स्विमिंग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वे एज के पास पहुंचकर नीचे ना गिर जाएं। इसीलिए इसे डेविल पूल कहा जाता है और यही कारण की वजह से इसका नाम डेविल पूल पड़ा है। पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से लोग अपने आप ही एज के पास खींचे चले जाते हैं। इस पूल में एक्सपर्ट के साथ जाना पड़ता है और यहाँ पर टूरिस्ट जनवरी के मंथ में आना पसंद करते हैं, क्योंकि जनवरी के समय पानी का बहाव थोड़ा कम होता है। पूल में क्रोकोडाइल और हिप्पो का भी ध्यान देना पड़ता है। इस पूल में काफी ज्यादा हाई अलर्ट्स भी दिए जाते हैं। नंबर दो, सैन अल्फांसो डेलपुर पूल। ये पूल चिल्ले में है, जो 62 माइल्स की दूरी पे है। वर्ल्ड के बेस्ट हॉलीडे रिजॉर्ट में इसका नाम दर्ज भी किया गया है। रिजॉर्ट में लोगों को अक्सर पूल पसंद आते हैं, तो जिन्हें पूल पसंद है उनके लिए सबसे बेस्ट चॉइस होगा। सैन अल्फांसो पूल को दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा पूल भी माना जाता है। ये पूल 20 एकड़ तक फैला हुआ है और इस पूल की गहराई पूरे 155 फीट है। पूल का पानी पैसिफिक ओशन से आता है, जिसे प्यूरिफायर और फिल्टर करके पूल में डाला जाता है। नंबर तीन, क्यूबिट हैंगिंग गार्डन पूल। दोस्तों आप लोग अगर कभी बाली जाने का सोच रहे हैं तो हैंगिंग गार्डन में जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट, जिम, स्पा ये सब तो मौजूद ही है। उसके अलावा पहाड़ों के बीच में हैंगिंग गार्डन भी बनाया गया है, जो कि सबसे ज्यादा आकर्षित जगह है। और उससे भी ज्यादा मजेदार इस हैंगिंग गार्डन का स्विमिंग पूल है। यहाँ के 44 लग्जरी विल्ला में प्राइवेट पूल मौजूद है। आप लोग यहाँ पर स्विमिंग के साथ पहाड़ों के खूबसूरत नजारों का भी आनंद ले सकते हैं। वुडेड टेरेस पे पूल बनाया गया है और यहाँ पर इसके अलावा एक लैंडस्केप पूल भी मौजूद है, जो कि अगर यहाँ पर लोगों को ये दो पूल पसंद नहीं आता तो उनके लिए यहाँ पर दो लेवल पूल भी मौजूद है। नंबर चार, स्कैंडिनेवियन विंटर स्विमिंग। अभी ये कोई स्विमिंग पूल नहीं है, बल्कि यहाँ पर आइस के बीच में पानी मौजूद है, जहाँ पर लोगों को यहाँ जाना काफी पसंद होता है। और फिनलैंड लोगों को अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए यही सबसे ज्यादा बेस्ट जगह लगता है। यहाँ का पानी बहुत ज्यादा ठंडा होता है और इसी की वजह से लोगों की भीड़ भी लगी होती है। इस पूल में स्विमिंग करने के लिए साइंस का मानना है कि आइसी कोल्ड वाटर में कुछ मिनट रहने से आपका बॉडी का टेम्परेचर को झेलने का क्षमता मिल जाता है। नंबर पाँच, चोंगचिंग पूल। अगर आपको फैमिली के साथ छुट्टियां मनाना है तो चिंगचोंग पूल बेस्ट चॉइस होगा, पर ध्यान रहे यहाँ पर काफी ज्यादा बहाव मौजूद रहता है और इसके साथ यहाँ पर भीड़ भी काफी ज्यादा रहती है, क्योंकि चाइना में लोगों को स्विमिंग पूल काफी पसंद है। और यहाँ पर जब पानी का वेव बढ़ते जाता है तो लोग एक दूसरे के ऊपर भी गिर जाते हैं, जो कि यह स्विमिंग पूल को डेड सी को देखे बनाया गया था। अभी यह मैरिन बे स्विमिंग पूल को भी देख लीजिए, जो कि 57 फ्लोर के बिल्डिंग पर बनाया गया है और यह दुनिया का सबसे खतरनाक पूल में से भी एक आता है। इस पूल में वो लोगों को नहीं जाना चाहिए जिन्हें ऊंचाई से डर लगता है, जो कि यह होटल को 2010 में ओपन किया गया था और तब से लेकर अब तक यहाँ पर हमेशा भीड़ मौजूद रहती है, जो कि यह बिल्डिंग के ऊपर एक एज भी बनाया गया है और इसी एज के पास लोग आकर बाहर का नजारा भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।